लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वर्तमान में निर्वाचन आयोग का नेतृत्व राजीव कुमार कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के घर ईडी ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी आज बीआरएस नेता कविता के घर पहुंची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल 2,12,00,000 मतदाता है। दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग टल गई है। अब यह मीटिंग 18 मार्च को आयोजित होगी। बैठक से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी की बाकी 18 लोकसभा सीटों के लिए सिंगल नाम मांगे हैं। बंगाल के संदेश खाली के पीड़ितों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को मुलाकात की। इन लोगों में 5 पीड़ित महिलाएं शामिल थी। इन लोगों ने टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां से पीड़ित होने की जानकारी। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले 3 आरोपियों को बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके अलावा 3 के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एल रामदास का शुक्रवार को यहां एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने छोड़ी पार्टी। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर असम कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव के आचरण पर सवाल उठाया। गोरखपुर लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां से भोजपुरी के स्टार रवि किशन जहां बीजेपी से टक्कर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सपा से भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को शुक्रवार को दोहरा झटका लगने वाला है। बैरकपुर से सांसद और बागी नेता अर्जुन सिंह के साथ एक और सांसद देवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गाजा में एक बार फिर इसराइल से मदद का इंतजार कर रहे लोगों पर हमला किया है। इस हमले में करीब 20 लोग मारे गए और घायल को अस्पताल तक पहुँचाया गया। विश्व हिंदू परिषद देश भर में CAA सहायता केंद्र खोलेगी। अभी पहला केंद्र दिल्ली के आदर्श नगर में खोला गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि CAA कानून आने के बाद हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में मदद के लिए यहां सहायता केंद्र खोला गया है। बॉलीवुड के शाहजहां अमिताभ बच्चन को आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने शेफील्ड शील्ड फाइनल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने का अपना फैसला लिया है। 36 वर्षीय क्रिकेटर पर बल्लेबाज पर्थ में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तस्मानिया का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 166 फर्स्ट क्लास मैच के बाद इस प्रारूप को अलविदा कह दिया है। तो ये थे आज के तमाम 15 बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए।